पहले तो आप तीनों की बॉन्डिंग के बारे में बताइए, कितना सागर आपको ये दोनों कितना परेशान करते हैं और आप दोनों कितना कुछ बॉन्ड कर पाते हैं? ऑनेस्टली मैं दोनों को ये शो के पहले से जानता हूँ। गुंजन एक शो में मैं सेम उसका कोरियोग्राफर था और तेजस को भी मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। हम लोग दोनों सेम जगह से ही बिलोंग करते हैं एंड अब ये दोनों शैतान और टैलेंटेड डांसर्स मुझे साथ में मिले तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लोगों को ये इंडिविजुअल डांसर्स दोनों को साथ में मिला के मैं क्या क्या प्रेजेंट करने वाला हूँ, कैसे कैसे परफॉर्मेंसेज देने वाला हूँ। आई एम श्योर जजेस और ऑडियंस एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं उनके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों भी काफ़ी ज़्यादा मस्तीखोर भी है वैसे देखा जाए तो सिर्फ टैलेंटेड के साथ, बट आई गेस दैट कम्स विद टैलेंट। वो टैलेंट के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक और नटखटपना वो आ ही जाता है आई गेस एट द एंड ऑफ द डे, वो लोग बच्चे लोग हैं, बट हाँ मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डांस करने को आगे। और हम दोनों अपने बेस्ट देने को ट्राई करेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गुंजन के साथ डांस करने के लिए। मुझे मारने की जरूरत है? ऐसे ही किया मैंने, ऐसे थोड़ी ना किया लगी। ओके नेक्स्ट। सो इन जनरल तो हम लोग दिन का मिनिमम 6 hours तो रिहर्सल्स करते हैं हम लोग, जिसमें से 5 hours मस्ती होती है सिर्फ और 1 hour हम लोग रिहर्स करते हैं जितना टाइम बचता है उतना। बट या जो जितने भी टाइम हम लोग रिहर्स करते हैं वो काफ़ी सीरियस रिहर्सल रहता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दोनों डांसर्स है तो दोनों का ग्रास्पिंग पावर, दोनों का पिकअप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सो आई गेस दैट फॉर मी इज़ अ एडवांटेज। बट अगर वो 6 hours में से हम लोग 5 hours प्रैक्टिस करेंगे, 1 hour मस्ती करेंगे तो हम लोग और भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो इसके लिए मैं उनको थोड़ा सीधा करना है मेरे को दोनों को। Yes. नटखटी मसाला डांस। और उन्हें क्या पूछा, तूने क्या बोला? मतलब डांस में सब। और कुछ नहीं। तेजस तो बोला। क्या बोला? नटखटी मसाला। आपको क्या अच्छा लगता है गुंजन के बारे में? अच्छा तो कुछ नहीं। चलो हो गया ना, चलो दूसरे क्वेश्चन। ओके सर, तो जजेस के बारे में बात की जाए तो आप तीनों के कौन से फेवरेट हैं? माय फेवरेट इज माधुरी मैम। मेरा भी माधुरी मैम, नोरा मैम। आप माधुरी मैम की कौन सी सबसे ज्यादा आपको मूवी पसंद आई अभी तक? मुझे मैंने देखा तो नहीं एक्चुअली, बट मुझे वो अरे नहीं मैंने वो वाला देखा चने की खेत में। मूवी का नाम क्या, मेरे को पता नहीं। पता मूवी का नाम पूछा? नहीं, मैं मूवी का नाम नहीं देखती, मैं गाना देखती और डांस देखती और मूवी देखती बस। नाइस, बस तू ये पूछा तो उन्होंने। चलो बोलो ना, आपको कौन सा पसंद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कौन सा पसंद है मूवी? मेरे को भी मुझे भी एक्चुअली मूवी का नाम ऐसा कुछ याद नहीं है, बट मोर देन शी बीइंग एन एक्ट्रेस आई आइडलाइज हर अ लॉट एज अ पर्सन, एज अ जज, सो या दैट्स व्हाई आई लाइक हर। गाना पूछ, कौन सा अच्छा? गाना नहीं, मेरे गाना सब पसंद है उनके। तेजस को पूछा भी। नोरा मैम की बताओ। नोरा मैम की कौन सी मूवी है? उनके गाने देखे नाच मेरी रानी वाला। नहीं, आई फील लाइक ये हम लोग के लिए एक एडवांटेज भी है बिकॉज बाकी सब बड़े और सिर्फ ये दोनों छोटे ही है, और दोनों ऐसे नहीं है कि सिर्फ दोनों छोटे फॉर नो रीज़न, दोनों भी उतने इक्वली टैलेंटेड डांसर्स है, सो आई गेस वो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ही है। प्लस पॉइंट। और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बताओ कि प्लीज़ हमें जितना प्यार देते आ रहे हो उतना ही ये शो में देना मुझे और गुंजन को, ताकि हाँ देते रहना। और अब जितना हमको पहले प्यार देते थे उससे ज़्यादा हमको प्यार देना, जिससे हम लोग पहले इक्वल डांस करते थे उससे ज़्यादा हम लोग डांस करेंगे उससे। तो हम लोग अपना बेस्ट देंगे आपके प्यार के वजह से। अब बताओ
सेम गाइज, दोनों को आपने इंडिविजुअली इतना प्यार दिया है, अभी दोनों फर्स्ट टाइम ये शो में साथ में आ रहे हैं, सो आई एम श्योर आप लोग को भी उतना पसंद आएगा, सो प्लीज़ शो देम मोर लव एंड मोर सपोर्ट। अच्छा एक्चुअली मुझे वैसा वाला पता नहीं है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को ऐसे भी। और तू बोल, तेरे एसएमएस लोग को समझ में आएगा। हां सब इस लोग दिखेंगे ना, चले बोल अपने मन में अगर मुख देखा पाए ऐसे तले मुख बोल जल्दी तले मुख प्लीज मोरम दिबक आरु मुख फोर्स दिबक। परफेक्ट यस, जो उसने नमस्कार नमस्कार सही किया, नमस्कार नमस्ते मतलब।